तो आपका आउट ऑफ स्टेट टीम पर मैं हूँ आपके साथ अजय राजपूत, जो आपका एमपी बोर्ड का क्लास 10th का 26 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर है ना, वो मैं लेके आ चुका हूँ। ये बिल्कुल असली पेपर है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। आपको फुल सॉल्यूशन अगली वीडियो में मिलेगा। चलिए आप क्वेश्चन देख लीजिए, अभी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आप इनको अच्छे से देख लीजिए, नहीं आपको फिर वीडियो डिलीट कर दी जाएगी और आप नहीं देख पाएंगे। चलिए देखते हैं, ये आप अच्छे से देख लीजिए। ये रहा आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और अगला है आपका द नंबर का, निम्न निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। तो ये आपका द नंबर का, ये ई नंबर का और ये फा, आप अच्छे से देख लीजिए। ये आपको बिल्कुल रियल पेपर है, 26 तारीख को आपको पेपर में यही देखने को मिलेगा। आप जल्दी से वीडियो को देख लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको आपको फुल सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। और आपको ये रियल पेपर है बिल्कुल, ये खालिस्तान है आपके, आपका पहला रिक्त स्थान है। भारत में सिंहों पर प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का खालिस्तान है। सेकंड है नेपोलियन बोनापार्टसन खालिस्तान के युद्ध में पराजित हुआ। थर्ड है करो या मरो का नारा खालिस्तान ने दिया था। भारत में शासन है रंगभेद नीति का विरोध किसने, दक्षिण अफ्रीका के नेता हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम खालिस्तान में हुई थी। नेपोलियन नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन में हुआ था। तो फ्रेंड्स आपको 26 फरवरी को यही पेपर देखने को लिए मिलेगा, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। मतलब आप इन पूरे रिक्त स्थानों को ढूंढकर इनको याद कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं एक शब्द में उत्तर। ये आपके एक शब्द में उत्तर है, ये आपका पहला रहे नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था। सेकंड है IMF का पूरा नाम लिखिए। थर्ड है मार्टिन लूथर कौन था। और फोर्थ है प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में भारत आया। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया। गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब हुआ। फ्रेंड्स आप कमेंट करके जरूर बताइए आपको सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए। तो आपकी ये जोड़ी आ चुकी है, आपकी पहली जोड़ी है लोकतंत्र, सेकंड है लोकतंत्र पहली है, सेकंड है दक्षिण अफ्रीका, थर्ड है पूर्ण साक्षर राज और फोर्थ है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को। और अगली है मुद्रा का आधुनिक रूप और फोन नंबर की है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो आपकी सही जोड़ी हो चुकी है, आप इनको अच्छे से कर लीजिए यदि आपको पास होना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन आंसर की ओर। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, इसके आप सॉल्यूशन देख लीजिए और याद कर लीजिए, आपको पेपर में ही देखने के लिए मिलेगा। पहला है आपका 6 नंबर का, 6 नंबर का संसाधन किसे कहते हैं। इसके अतबाव में भारत में पाई जाने वाली कोई दो मिट्टियों के नाम मिलिए। और 7वां है आरक्षित वन किसे कहते हैं। यदि आपने फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको अगली वीडियो मिले तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसके अतबाव में है जैव विविधता किसे कहते हैं, इसको भी आप याद कर लीजिए। 7वां है आरक्षित वन किसे कहती हैं और इसके अतवाम है जैव विविधता क्या है। 8वां है जूट को सोना रेशा क्यों कहा जाता है। खरीफ की फसलों के कोई दो नाम लिखिए। फ्रेंड्स ये वीडियो डिलीट कर दी जाएगी, आप जल्दी से इस वीडियो को जल्दी से देख लीजिए और यही पढ़कर जाएं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिससे आपको PDF मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर कम से कम 2K लाइक आना चाहिए, तो जब भी आपको इस वीडियो को फुल सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए 8वें नंबर का है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है और इसके अतबा में है खरीफ फसलों के कोई दो नाम लिखिए। 9वां है जौवर कौन था। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये आपका 10वां है, ये आपके 90 का अतबा का है औद्योगिक क्रांति से क्या हासिल है। 10वां है गुटेनबर्ग कौन थे, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे, 23 प्रश्न हैं आपके कुल। आपका इसका 10वीं का अतबा का है पंचांग से क्या आश्रय है और 11वां है अश्वेत शांति क्या था, तो आप इसको इनको अच्छे से कर लेना। ये आपका अतबा वाला है 11 का अप्रमीकरण से क्या आश्रय है। और आपका 12वां है आर्थिक विकास से क्या आश्रय है, तो यह भी कर लेना। और अतवाम है आर्थिक विकास किस पर निर्भर रखता है। 13वां है वस्तु विनियमिक प्रणाली से क्या आश्रय है। चलिए देखते हैं आगे, तो ये आपका अतवा का है 13वां वस्तु विनियमिक क्या है, तो इसको भी आप कर लेना। चलिए देखते हैं अगला, इसके अतवा का है 13वां के अतवा का स्व सहायता समूह में निर्णय कौन करता है, तो ये आपका रहा, आप इसको कर लेना। 14वां है वैश्वीकरण क्या है। और आपका अगला है, तो आपका ये 14वां हो जाएगा,
और आपका 15वां है उपभोक्ता शोषण से बचने के लिए कोई दो उपाय लिखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, 16वां प्रश्न देखते हैं, ये आपका है 5वां, सूचना के अधिकार से क्या आशय है। और अगला है 16वां, लोहा एवं अलोहा धातुओं में क्या अंतर है। तो आप इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेना। और अगला है इसका धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में कोई अंतर लिखिए, कोई तीन। तो आपका 17वां हो जाएगा औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं समझाइए। 18वां है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, इसके अथवा में है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों कहा। चलिए बढ़ते हैं, ये अगला प्रश्न है आपका 19वां, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। ये बिल्कुल रियल पेपर है, आपको यही का यही देखने के लिए मिलेगा। ये रहा आपका 20वां, आपको मानचित्र बनाना है रानीगंज, तारापुर और अंकलेश्वर रावत भाटा। तो ये आप अच्छे से करके जाएं, आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 21वां, ये है जलियांवाला हत्याकांड घटना किसको विस्तार से समझाइए, इसके अथवा में है सभी ने अवज्ञा आंदोलन वर्णन कीजिए विस्तार से। 22वां है लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। और चलिए 22वें का अथवा का देख लेते हैं, ये है सभी ने अवज्ञा आंदोलन का वर्णन विस्तार से लिखिए। और 22वां है लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो आपके 22 प्रश्न हुआ है, इसका अथवा का है नागरिकों को गरिमा और आज़ादी से क्या आश्रय है। 30वां है वस्तुओं के मानवीकरण का क्या अर्थ है, विभिन्न उत्पादों के मानवीकरण को दर्शाइए। तो ये आपके पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं, इसका अथवा का है उपभोक्ता जागरूक से क्या आश्रय है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो फ्रेंड्स आपको ये 26 फरवरी को यही पेपर देखने के लिए मिलेगा MP बोर्ड का। तो आप